दमई से न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। आज हम कटिहार के 7 विधानसभा सीट के बारे में जानकारी लेंगे और खास तौर पर वहां पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा 3 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने का घोषणा कर चुका है और बाकी 4 विधानसभा सीट के बारे में अभी कोई लिस्ट जारी नहीं किया है। कटिहार से हमारे सहयोगी शेख जीनियस जुड़ रहे हैं जो सारी जानकारी देंगे आपको और साथ ही साथ बताएंगे कि इस वक्त कटिहार की सीट किन किन दलों के कब्जे में है और क्या स्थिति है कटिहार का और MIM के आने से वहां पर किस तरह का माहौल है। हमारे साथ द मैसेज न्यूज में बने रहें। अगर सबसे पहले न्यूज़ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जिस प्रकार से AIMIM ने बिहार के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, इसमें से कटिहार जिला से AIMIM ने 3 विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र, बराड़ी विधानसभा क्षेत्र और कदवा विधानसभा क्षेत्र से AIMIM अपने उम्मीदवार को उतार रही है। कटिहार में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है, अभी दूसरी लिस्ट आनी बाकी है। अब देखना ये है कि दूसरी लिस्ट में AIMIM कटिहार से और कितने विधानसभा क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशियों को उतारती है। पिछले बार बराड़ी विधानसभा की जनताओं ने बड़े ही उम्मीद के साथ नीरज यादव को वोट दिया था, फिर भी वहां पे विकास की पहियों की रफ्तार रुकी की रुकी रह गई। वहां के जनताओं को साफ पानी नहीं मिल पाया, वहाँ के जनताओं को अच्छी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, वहाँ के जनताओं को अच्छे स्कूलों का निर्माण नहीं हो पाया। आज जिस प्रकार से बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में CPI पिछले कई बारों से चुनाव जीत रही है, फिर भी बलरामपुर विधानसभा की सड़क की हाल बिल्कुल जर्जर है। ऐसे मौजूदा हालात में समय आ चुका है कि बराड़ी विधानसभा क्षेत्र, कदवा विधानसभा क्षेत्र और बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता राजद, JDU और फिर कांग्रेस को, CPI को करारा जवाब दे और AIMIM को बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र, बराड़ी विधानसभा क्षेत्र और कदवा विधानसभा क्षेत्र से कामयाबी हासिल दे, ताकि AIMIM विकास की पहियों की रफ्तार को फिर से चालू कर सके और वहां पर फिर से विकास हो सके। इसी के साथ मैं शेख जीनियस।